Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to the Maldives till the 11th of August. The visit, the MEA says, will aim to strengthen the partnership between the two countries. ये वही मालदीव्स है जिसने बड़े ताने दिए थे, बड़ा उल्टा सीधा बोला था और दोनों देश यानी कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते हो गए खराब। लेकिन अचानक क्या हुआ कि यहाँ पे उनके कई मंत्री अच्छी अच्छी बातें करने लगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे कि नहीं भारत तो हमारा बड़ा भाई है, हर मुमकिन कोशिश करेगा भारत की चाइनीज इन्फ्लुएंस को खिते के जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं उनके अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस ना। यही वजह है कि डॉक्टर जयशंकर 3 दिन के दौरे पे मालदीव जा रहे हैं। बीच में एक और कांड हो गया कि चाइना ने बोला तुम्हारा क्रेडिट हम रोल ओवर नहीं करेंगे, फिर चाइना ने इनसे 30-35 इनके टापू ले लिए, यानी कि जो ये चाइनीज चूरन इन्होंने खाया दोस्तों वो इनको पड़ गया भारी। अगर श्रीलंका जो है वो एक ऐसा मुल्क था जिसको इंडिया ने 3-3.5 अरब डॉलर दे के थोड़ा सा ठंडा किया है, देन आ जाए आप क्या नाम है मालदीव्स प्रो चाइना हो गया। सो चाइना इंडिया के इर्द गिर्द घेरा डालना चाहता। Until Mohammad Muizu's ministers hadn't used derogatory words against Prime Minister Modi, diplomatic relations between India and Maldives were excellent. लेकिन चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना डज एवरीथिंग सीक्रेटली। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, वो हर चीज ओपनली करता है। चाइना क्या करेगा, चाइना आपको लोन देगा कोई पता नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप पता लगा ही नहीं सकते कि उन्होंने लोन किन टर्म्स एंड कंडीशन पे दिए। पाकिस्तान के साथ तो भी तो ऐसे ही हुआ कि जिस तरह हमें लोन दिए गए या जो कुछ हमें दिया गया, मुझे जाती तौर पर लगता है कि हम तो शायद कभी भी ना जान सके, क्योंकि हमारी हुकूमत को तो पता है लेकिन हुकूमत हमारी बताती नहीं है। तो दोस्तों ये सब देशों के साथ है, इसलिए मैं बांग्लादेश के बारे में भी कह रहा हूँ, ये 6 महीने चुप रहो आप, और जब आटे दाल का भाव इनको पता लगेगा ये बाप बाप करेंगे। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया, आप इस एरिया में हैं, आप बिना इंडिया के सर्वाइव कर ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में भारत ने अपना बजट अनाउंस किया था जिसमें पड़ोसी देशों को 23,000 करोड़ रुपए का एड बांटा था, जिसमें मालदीव के एड में भारत ने कटौती की थी और सिर्फ 400 करोड़ रुपए दिए थे जो कि पिछले साल 800 करोड़ से ज्यादा था। उसके बाद से ही मालदीव को समझ आ गया है कि हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब धीरे धीरे मालदीव के बोल बदलने लगे हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद के लिए भारत का आभार जताया, कहा कि भारत मालदीव का कर्ज चुकाने में बहुत ज्यादा मदद किया है। मौजू ने उम्मीद जताई कि भारत और मालदीव मजबूत संबंध बनाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही साइन करेंगे। मालदीव में अमेरिकी डॉलर की कमी को लेकर मौजू ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर बात कर रही है। भारत ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत मालदीव को 400 करोड़ रुपए की सहायता की थी। मालदीव ने इसके लिए आभार जताया और उम्मीद जताई कि भारत कर्ज भुगतान करने में मालदीव की मदद करेगा। भारत आउट कैंपेन के बाद मालदीव को बहुत बड़ा झटका लगा था जिसमें से आज तक मालदीव उभर नहीं पाया है। 9 से लेकर 11 अगस्त यानी कि आज, कल और परसों डॉक्टर एस जयशंकर रहेंगे मालदीव्स में। उसने वही मालदीव्स है जिसने बड़े ताने दिए थे, बड़ा उल्टा सीधा बोला था और दोनों देश यानी कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते हो गए खराब। लेकिन अचानक क्या हुआ कि यहां पे उनके कई मंत्री अच्छी अच्छी बातें करने लगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे कि नहीं भारत तो हमारा बड़ा भाई है, ये है, और भारत हमारा इज आर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जब भी हम फंस जाते हैं कोई इमरजेंसी होती है हम इंडिया को डायल करते हैं, ये सब बातें कहने लगे। अच्छा, बीच में हुआ वाकया कि जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तब वहां पे लाइन में खड़े थे कई सारे लोग, उसमें से एक मोहम्मद मुइजू भी था, यानी कि ये बंदा स्पेशली आया भारत मोदी जी के इनॉग्रेशन के लिए और बाद में मोदी जी और इसकी कुछ बात भी हुई है कुछ मिनट के लिए। अच्छा, ये सब जो बातें थी ये ज्यादातर ढकी छुपी थी। बीच में एक और कांड हो गया कि चाइना ने बोला तुम्हारा क्रेडिट हम रोल ओवर नहीं करेंगे, फिर चाइना ने इनसे 30-35 इनके टापू ले लिए, यानी कि जो ये चाइनीज चूरन इन्होंने खाया दोस्तों वो इनको पड़ गया भारी। अब यहां पे एक होड़ लगी है कि किसी तरीके से भारत के साथ रिश्ते अपने सुधारें, क्योंकि देखिए इनका काम चलता है पूरा टूरिज्म से दोस्तों। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर टूरिज्म खत्म तो मालदीव्स खत्म। अब मालदीव्स ने, अब बकवास तो इन्होंने कर दी, भंड तो इन्होंने मार दिया, पर एक बार भंड इन्होंने मार दिया राइट, अब उसको वापस तो ले नहीं सकते ना जो इन्होंने मोदी जी के लिए या भारतवासियों के लिए, अब दे कैन नॉट टेक इट बैक, इट इज सेड। दोस्तों बीच में इन्होंने रोड शो भी करवाई भारत के 3 अलग अलग शहरों में शामिल दिल्ली, कि आओ मालदीव्स आओ। आज मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं ये मालदीव्स आखिर जा क्यों रहे हैं, ये रिश्तों की जो खराबी थी ये सुधार की ओर कैसे जा रहे हैं रिश्ते। अब डॉक्टर जयशंकर दोस्तों और उनके जो काउंटर पार्ट हैं मूसा जमीर,
मूसा जमीर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मालदीव्स के, वो भारत भी आए थे, डॉक्टर जयशंकर से मिल के गए, डॉक्टर जयशंकर ने उनकी थोड़ी सी चाबी भी लगाई थी, राइट। अब ये जो है ये लोग इनॉग्रेट करेंगे प्रोजेक्ट्स, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं HICDP एंड लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों? मुझे ये पता था कि भारत ये हाई इंपैक्ट वाले जो हैं दे आर डूइंग दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये भारत कर रहा है, लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये मुझे दोस्तों नहीं पता था। टोटल 47 प्रोजेक्ट्स भारत वहां पे कर रहा है, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो भी प्रोजेक्ट्स करता है ना, आप इस चीज का ध्यान रखना, इंडिया जो भी प्रोजेक्ट करेगा, मालदीव में करेगा, अफ्रीका में करेगा, इंडिया वो प्रोजेक्ट करेगा जो आम आदमी के बेनिफिट के हैं। क्यों हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को अफगान इतना पसंद करते हैं? तुम हिंदी तुम आती, हिंदी इंडियन नहीं बोलते, वो लोग हिंदी कहते हैं, ये हिंदी है, आओ तुम भाई है हमारा। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वहां पे इंडिया जाके बनाती है उनकी पार्लियामेंट, इंडिया जाके बनाती है उनकी रोडें, इंडियंस जाएंगे वहां पे बनाएंगे उनके लिए अस्पताल, उनके लिए स्कूल, उनके लिए डिस्पेंसरी, उनके लिए डैम, उनके लिए लाइब्रेरी, ये सब। तो एक आम आदमी के लिए प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है भारत के लिए। चाइना क्या बोलेगा? बंजर वीराना है, दूर दूर तक ना इंसान ना कुत्ता, 500 किलोमीटर तक सब वीराना बिल्कुल एकदम बंजर। बीच में चाइना बोलेगा कि $3 अरब का हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अब चाइना ने बना दिया और वो चाइना ने चढ़ा दिया $3 अरब उस देश के ऊपर लोन। तो भारत ने ये करा है, बीच में चाइना आया, चाइना ने अड़ंग ही मारी दोस्तों मालदीव्स में, और चाइना ने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई, ये चलाए। वो करने के बाद हुआ ये कि ये लोग चाइना के गुण गाने लगे साल के अंदर। मेरा ये मानना है एक साल के अंदर मोदी जी आएंगे मालदीव्स, विद इन 1 ईयर। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये मोइजू हटे जाए, यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया। आप इस एरिया में हैं, आप बिना इंडिया के सरवाइव कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तानी, आप सड़क पर जाइए सब लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ वो वागा टारी खोल दो। पाकिस्तान के बुरे दिन कब आए? जब से पाकिस्तान ने बोला कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। जैसा आपको ठीक लगे, आपका मुल्क है, आपने मना कर दिया। अब पाकिस्तानी बाप बाप कर रहे हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये सब देशों के साथ है, इसलिए मैं बांग्लादेश के बारे में भी कह रहा हूं, ये 6 महीने चुप रहो, आप शांत रहो, 6 महीने कुछ मत करो, बस वहां के जो हिंदू हैं उनको किसी तरीके से सेव करके लाओ, और बांग्लादेश के साथ और फर्दर एंगेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनका पानी हो जाएगा सेटल, इनका पानी जब हो जाएगा सेटल और जब आटे दाल का भाव इनको पता लगेगा, ये बाप बाप करेंगे। यू कैनॉट बी आउटसाइड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इफ यू आर इन द सबकॉन्टिनेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप करोगे, आप सफर करोगे, मालदीव्स को भी पता लग गया। शंकर क्यों गए? पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, समझ लो आप, फॉरेन मिनिस्टर आया, बीच में उनका एम्बेसडर आता रहता है, उसको तो 2-3 बार उसकी बेइज्जती भी करती, लेकिन फिर भी आ जाता है वो। ये हो गया, फिर आया मोहम्मद मुइजू, और जानबूझ के मोहम्मद मुइजू तब आया जब मोदी जी शपथ ले रहे थे। जाहिर सी बात है, आपके कोई घर में आ गया, आप उसको क्या बोलोगे? गाली थोड़ा ना दोगे उसको, तो वो बात उसको पता है। अब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, ये इनॉग्रेशन सब बहाना है दोस्तों, ठीक है, ये इनॉग्रेशन बहाना है, ये छोटी सी बात थी, ये कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी जाके कर सकता था, ठीक है, ये कोई भी जाके कर सकता था। डॉक्टर जयशंकर बहुत सीनियर हैं, एक टॉप लेवल के मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, उनके जाने की आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर इसलिए गए हैं क्योंकि अब गलती मान ली है मालदीव्स ने, और भारत भी कह रहा है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, खत्म करो मैटर। और जिस दिन मोदी जी चले गए वहां पे मालदीव्स में, तो अगले दिन से आप देखना, ये जितने भी विस्टारा है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, जितनी भी फ्लाइट्स हैं, ये दिन में 4-4 फ्लाइट जाएंगी माले।